अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चंस और उनके भी सॉल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की बात की थी और हमने कुछ मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड किया था। आज कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन है 9th क्लास का कि वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1021, अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, देन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमने डबल ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। अब मैं ए मैट्रिक्स लूँगी, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है 1021। ये आपको बताती चलूँ, ये पंजाब की बुक से लिया गया है क्वेश्चन। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैं इसके रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करूँगी। 2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 एज इट इज़ रहेंगे। अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1021, दैट इज़ इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में था 1021। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। अब देखिए, इस तरह इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रूफ करें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक करने के लिए आपको उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। सपोज़ यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, बी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। मेरे पास एंट्रीज़ हैं 5, -1, -7 एंड 5। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। अगर तो मेरे पास ये बी की इक्वल आ जाता है, जैसे 5, -1, -7 और 5, ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आया, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए इसके अलावा एक और मैट्रिक्स में लेती हूँ, उसमें देखते हैं कि क्या वो मेरे पास सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो ये चेक ज़रूर कर लेना है कि अगर मेरे पास एंट्रीज़, जैसे अब ये मेरे पास है सी मैट्रिक्स है, कि आपने चेक करना है कि अगर रोज़ और कॉलम चेंज करने के बाद कोई चेंज नहीं आता मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक होगा। अब देखिए, मैं इसकी रोज़ को कॉलम में लिखती हूँ। ये रो है, इसको मैं इस तरह करके लिख लूँगी, तो -1, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा और 3, ये तो सी के इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। और मेरे पास बी मैट्रिक्स ओरिजिनल बी के इक्वल नहीं आया था, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप ये बताएं कि दो मैट्रिक्स आपको दिए जा रहे हैं। सपोज़ ए मैट्रिक्स है मेरे पास A1, B1, A2, B2 और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है B। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये एक दूसरे का सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सारी बात मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं इनका ट्रांसपोज लूँगी। ट्रांसपोज लूँगी, A ट्रांसपोज लेती हूँ, मेरे पास क्या आएगा, A ट्रांसपोज में A1, A2, B1, B2 और यहाँ पे अब मैं बी ट्रांसपोज ले लेती हूँ। बी ट्रांसपोज लेने से मेरे पास आ जाएगा A1, B1, A2, B2। ये तो एक दूसरे का सिमेट्रिक है, मतलब अगर इन दोनों का ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये एक दूसरे का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि जैसे मैं एक और मैट्रिक्स ले लेती हूँ, डी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, और आपको मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो
अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो ये सारी बात है, ये मेरे पास किस तरह बन जाएगा, रोज़ और कॉलम तो चेंज हो जाएंगे, 1 4 2 5 3 6, तो जारी बात है ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हों उनमें सिमेट्रिक प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक हम ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि उनका ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।